साथियों, बुढ़ापे में किसी माँ बाप को किसी के पास हाथ न फैलाना पड़े, वो सर ऊंचा करके जिंदा रह सके, ये चिंता भी मोदी को रहती है, वो करता रहता है। भाइयों बहनों, हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है कि इन सारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, लेकिन अब भी कोई रह गया हो तो मैं उनको कहने आया हूं कि ये काम मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं जब तक आपकी सेवा करता रहूंगा, इन सारे कामों को पूरे करता रहूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे डर है, क्योंकि मैं ये योजनाएं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, तो मैं दिल्ली से जो भेजता हूं वो रोड़े अटकाते नहीं है। पहले जब मेरी सरकार बनी, 2 साल तक मुझे उन लोगों को झेलना पड़ा जो गरीब के घर के पैसे भी गरीबों को देने को तैयार नहीं थे। और इसलिए भाइयों बहनों, जो आपके विकास में रोड़े अटकाते हैं, मेहरबानी करके वो पुराने वालों को गलती से भी मत लाना। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे और उसके तुरंत बाद फिर से तेज गति से इन जरूरतमंदों को, इन सारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथियों, गरीब की चिंता करने वाली सरकार, गरीब के लिए दिन रात सोचने वाली सरकार ऐसे ही सेवा भाव से काम करती है। और हम अपनी योजनाओं में ये कभी नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति का है। कौन किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस संप्रदाय का है। हमारा तो लक्ष्य यही है कि हर गरीब हकदार जो है उसको उसके हक की योजना मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम 2 साल से देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना का कितना बड़ा भयंकर संकट आया है। पूरी मानव जात इस संकट की चपेट में आ गई है। दुनिया का अमीर देश भी बचा नहीं है। भाइयों बहनों, 100 साल में आए इस सबसे बड़े संकट का मुकाबला इस कोरोना महामारी से आज हमारा सरकार, हमारा देश लड़ रहा है और गरीब को मुफ्त राशन पहुंचा रहा है। पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ गरीबों को भाजपा सरकार ने मुफ्त राशन दिया है। भाइयों बहनों, दिन रात मेरे दिल में एक ही बात रहती है कि इस कोरोना की मुसीबत में मेरे किसी गरीब परिवार में बच्चों को रात को भूखा सोना न पड़े। मेरे दिल में यही रहता है कि इस कठिन परिस्थिति में किसी गरीब के घर में ऐसा कोई दिन नहीं आना चाहिए ताकि उसके घर में चूल्हा न जला हो। और इसलिए मुफ्त राशन हर गरीब के घर में पहुंचा रहा हूं। गरीब के हित में ये काम गौर परिवारवादी कभी नहीं कर सकते। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको कोरोना वैक्सीन के खिलाफ भी भड़काने की कोशिश की। आज यही वैक्सीन यूपी के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रही है।